अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे और हम इसको पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आइएगा, आइए हमारे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये पाक चाइना बॉर्डर है और काफ़ी लोग, अच्छी तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जैसे तो फैमिलीज, पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं। पीछे देखें, ये जुलाई का महीना और देखें माशाल्लाह से ठंड हो रही है यहाँ पे। चलेंगे मजीद चलते हैं। आज सामने लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये सामने फेंसिंग हुई है यहाँ पे, बॉर्डर की फेंसिंग। और माउंटेन्स देख सकते हैं, स्नो माउंटेन। हमने चाइनीज सोल्जर यहाँ देखिए, जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे और वो भी इसका विज़िट करने के लिए हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? हम फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद से, माशाल्लाह से। अच्छा, कैसे हैं यहाँ पे? टूर के साथ? नहीं नहीं, अपनी गाड़ी, अपनी पर्सनल कन्वेंस के साथ आए हैं। अपनी पर्सनल कन्वेंस में आए। अच्छा, तो बॉर्डर कैसे लगा? बॉर्डर मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये मेरे साथी जो से हैं फर्स्ट टाइम आए हैं। ये भी सब फैसलाबाद से हैं। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह होगी, मौसम बहुत। बर्फ़ तो है लेकिन थोड़ा दूर, क्योंकि इतना ठंडा इलाका नहीं है ये। बाबू सर टाप पर जो ज़्यादा, इससे ज़्यादा ठंड थी। अच्छा जी, तो मज़ा इन्जॉय किया आपने? हाँ जी, जो सा है ना, सफ़र का इन्जॉय होता है। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ इतना खास मज़ा, यहाँ पर इतना खास मज़ा नहीं है। और कोई बात करना चाहिए बोलो, कहाँ से आएंगे? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से सर। ठीक है, बताएं इसके बारे में कुछ, बॉर्डर के बारे में बताएं। सर इमेजिन तो मैंने ये किया था कि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। ठीक है, पर इमेजिन नहीं आया। अच्छा, मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम दिसंबर में आओ ना, फिर वहाँ उसमें मिलेगी। ओके, आप बात करेंगे? बात हो गई, भाइयों ने बात कर ली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें आप, एट द रेट ट्रैवल एंड फूड, ट्रैवल एंड फूड, उनको सब्सक्राइब करें। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए दोस्तों, मजीद अभी आगे भी चलेंगे, देखते हैं कुछ लोगों से भी बात करेंगे, आइए हमारे साथ। अच्छा दोस्तों, ये टूर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैप के सामने डिस्प्ले किया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। आइए मजीद आगे चलते हैं। जैसे देख सकते हैं ये फेंसिंग की हुई है बॉर्डर को, सामने चाइनीज एरिया है।
वो फोन नहीं आते हैं भाई जी, वो नहीं आते, वो पहुंची भी था कुछ नहीं, कोई चीज़ बॉर्डर में नहीं होता। जैसे हम लोग ड्यूटी, जैसे हम खड़े हैं वो भी खड़े रहे, इधर से गाड़ियाँ जाती है, गाड़ी और गाड़ी जाएगी चाइना। तो मेरी हमारे उतर मशीन चुंगो चोला इंजिन चोला।